Bikers, hello and welcome to Pale Mari presents Oh My Ganesha. Today we are at Devanar at Raheja Acropolis to celebrate Ganesh Chaturthi with Praveen Kulkarni and his family. हम गणेश जी ला रहे लास्ट 20 साल से एक्चुअली ये ट्रेडिशन हमारे फैमिली में चल रहे थे काफ़ी सालों से। मेरे पिताजी रखते थे, फिर पिताजी का देहांत होने के बाद 20 साल पहले फिर जो ये जो इसकी रस्म रोटी है हमारे पे आ गई। बहुत ही अच्छा लगता है। पहले हम पहले से तैयारी करना दिन शुरू करना पड़ता है। सुबह शाम आरती करते, तरह तरह के खाने बनाने का, और पूरनपोली मोदक ज़्यादा पसंद है गणपति को, मोदक तरी तरीके मोदक बनाने का। गणपति बप्पा मौर्य है। एक महीने पहले हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं मूर्ति को, तो उस हिसाब से फिर हम लोग सोचते हैं डेकोरेशन क्या होना चाहिए। अभी ये साल बहुत फूल का ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने फूल और थर्मोकोल कंबाइन किया था। तो इसका जो कलर्स और साइज है उस हिसाब से हमने पीछे का वो मकर चूज़ किया था। फिर इसको थोड़ा और इन्हांस करने के लिए हमने फिर उसको फूल के इसमें ये कर दिया। स्वागत है, उनकी पूजा होती है पहले दिन में, बहुत बड़ी पूजा होती है 2 घंटे की। उसमें हम लोग मंत्र बोलते हैं, फिर सब मंत्र के साथ पूजा होने के बाद फिर हम लोग उसके आरती बोलते हैं। तो काफ़ी एक उसके प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं उसको। तो प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है कि जो गणेश जी का जो डिवाइन आत्मा है उसको हम लोग आह्वान करते हैं, तो वो जो आत्मा है वो मूर्ति में आ जाती है 10 दिन के लिए। तो वो मंत्रों के साथ होता है, तो वो होने के बाद फिर हमको उसको माना जाता है कि गणपति अभी घर में आ गए। माझा खूप आनंद होतो आणि खूप उत्साह होतो, इतका उत्साह होतो, इतका आनंद होतो की गगनात मावू शकत नाही। एवढी खुश आहे मी। पूजा पाठ करतो आम्ही आणि आरती करतो, नैवेद्य दाखवतो, गौरीपूजन करतो। हां, गौरीपूजन असतं, आरती असते, महानैवेद्य असते आणि भजन पूजन पण असते। गणपती बाप्पा मोरया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी जो जनरल एक लाइफ है उसमें हम भक्ति के लिए उतना टाइम निकाल ही नहीं पाते। हम लोग ज़्यादा करके मोदक ही करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मोदक रोज़ बनाते हैं। जैसे मैंने अभी एक बड़ा एक मोदक यहाँ पे एक रखा है, ये हम लोग 10th डे पर उसको 10 डेज तक यहाँ रहेगा। और रोज़ एवरी डे वी ट्राई टू मेक डिफरेंट मोदक्स। कभी उकड़ी का मोदक रहता है, कभी तल के रहता है, नहीं तो अलग अलग शेप साइज में कलर्स में। गणपति बाप्पा मोरया। आमच्याजवळ गौरी गणपती पण बसतात, गौरी पण बसतात ना। मग 8 दिवसापासून आम्ही करंजी वगैरे बनवतो, या मोदक वगैरे काय काय बनवायचे ते 8 दिवसापासून आम्ही त्याची तयारीनुसार असतो। अलग अलग प्रकार के मोदक भोग में बनाते, कभी उकड़ी का बनाते, कभी तल के बनाते, कभी पेड़े का वगैरह रहता है मोदक, अलग अलग मोदक बनाते। गणपति बप्पा मोरया। बचपन से एक तरीका तो सिखा दिया घर वालों ने कि किसी भी कागज पर शुरू में श्री गणेशाय ज़रूर लिखा जाए, तो वो एक बेसिक एक रवायत होती है, एक प्रैक्टिस होती है। उसे रियलाइज़ करने के लिए और एक्चुलाइज़ करने के लिए त्यौहार मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक उस फैक्ट को अंडरलाइन कर देते हैं। विसर्जन के समय बहुत इमोशनल एक माहौल होता है, क्योंकि 10 दिन में एक मेहमान आ गया, डिवाइन मेहमान आ गया 10 दिन के लिए, तो एक अपने घर के फैमिली के मेम्बर सदस्य बन जाता है। फिर जब वो जाते हैं तब बहुत ही इमोशनल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई घर का सदस्य जा रहा है। गणपति बाप्पा मौर्या। Great darshans of Bappa with such a lovely people. Ganpati Bappa! Moriya! Mangal Murti! Moriya!